पत्र तो बहुत सारे हैं और सभी सुंदर हैं, आपकी कृपा बाबा की कृपा है। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूँ। अमर जी कहीं बैठे हों, अलीगढ़ जिले से आया हूँ। एक लोटे जल का महत्व बताना चाहता हूँ गुरुदेव। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। ऐसे हाथ हिलाने से क्या दिख जाते हो कैमरे में, और कुछ नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरे कान में पिछले कई सालों से एक समस्या थी, कान बहुत बहता था, बहुत दर्द होता था। जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि मेरे कान में पर्दा फट गया, छेद हो गया। तब डॉक्टर ने साफ कर दिया था कि जब जब इसमें थोड़ा सा भी पानी का असर आएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारा कान अंदर से बेकार हो चुका है, पर्दा फट गया, छेद हो गया, अंदर सड़न लग रही है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कान में पानी रत्ती भर कान के ऊपर नहीं लगना चाहिए गुरुदेव। ऑपरेशन का भी डॉक्टर ने कह दिया था, अंदर छेद हो गया था, मवाद बहता रहता था। बहुत दवाइयां करी, परहेज किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब गुरुदेव मेरी पत्नी को उनकी मैडम द्वारा आपकी कथा यूट्यूब पर सुना दी, और यूट्यूब पर सुनते ही मेरी पत्नी ने नियम ले लिया उसी ऑफिस में से कि मैं अपने पति को मंदिर लेकर जाऊंगी और जल चढ़वाऊंगी और उस जल को पान कराऊंगी। मैं उस अपनी पत्नी के साथ उसकी मैडम के कहने पर, जिसने उसको यूट्यूब पर कथा सुनाई थी ऑफिस में, उस पत्नी के कहने से, मैडम के कहने से शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते, शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाकर आचमन करते। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, आचमन किया, कान में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द कि आज ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहली बार मंदिर गया और पहली बार ही ऐसा काम हो गया, और इतना दर्द कान में हुआ कि पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने वही मुख में पानी देने वाला दो बूंद पानी मेरे कानों में लगा दिया, वो पानी अंदर चला गया। डॉक्टर ने कहा था एक बूंद पानी तुम्हारे कान में नहीं जाना चाहिए। पत्नी पिलाते पिलाते आंख में आंसू भरकर रो रही थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था। पहली बार मैं मंदिर के अंदर खड़ा हुआ रो रहा था, कान में वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल दिया और पत्नी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया। गुरु जी 20 मिनट बाद मेरा कान दुखना बंद हो गया। डॉक्टर को दिखाया, पर्दा पूरा ठीक हो गया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आया। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम है, बैठिए। हर हर शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। भाग्य लिखेंगे देवता, पर बदलेगा कौन, महादेव लिखेंगे देवता।